आज आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंच, तो वतन में पहुंचते ही क्या देखती हूँ कि मैं खुद ही पहाड़ों के बीच में से उड़ती जा रही हूँ और मेरे को कोई हाथ पकड़ करके, जैसे कोई विमान में बिठा करके ऊपर की ओर ले जा रहा है और बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मैं चारों ही तरफ देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बने हुए थे और उन पंडाल्स के अंदर अनेक प्रकार की देवियों की बहुत सुंदर सजावट थी और भक्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कुछ भगत बहुत दूरी से चले आ रहे हैं और किसके हाथ में बहुत से इस प्रकार के कुछ अर्पण करने के लिए उनके हाथ में थे। जैसे जैसे वो नजदीक आते थे तो इतने मगन हो रहे थे, उनको कोई भी प्रकार की सुध-बुध दिखाई नहीं दे रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिया। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है कि भगत अपने इष्ट के दर्शन और मनोकामना पूर्ण करने और कुछ अर्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, कितनी मेहनत से। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, इष्ट तुम बच्चे और तुम्हारे ही दर्शन और तुम्हारे ऊपर ही कुछ अर्पण करने के लिए अभी लोग तैयार बैठे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ, बाबा के बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए और बाबा के बच्चे बाहर दिखाई दिए, तो कोई तो ऐसे एंजल की तरह से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई ऐसे संपन्न रूप में दिखाई दे रहे थे, कोई ऐसे थे जो स्पीड में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई बैकबोन हमारे को हो जो हमारी स्पीड और तेज हो सके। तो ऐसे ये दृश्य जैसे देख रहे थे, तो बाबा ने कहा, देखा कि भगत और बच्चों में क्या अंतर है। कई बच्चे हैं जो अभी भी अपने एंजेलिक स्टेज में स्थित होकर के विश्व के अंदर अपने भक्तों को साक्षात्कार करा रहे हैं और कई बच्चे हैं अपने वास्तविक स्वरूप के टिकने का अभ्यास कर रहे हैं और कई बच्चे अभी भी हैं जो पुरुषार्थ करके दौड़ करके उड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार आपके भगत आपको ढूंढ रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसे आ रहा है, इष्ट को अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा बता रहे थे कि उस संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों को एक तो अपनी स्वमान की सीट पर स्थित रहना है, दूसरा बाप ने जिस स्थिति पर बच्चों को ऊंचा उठाया है तो अपनी ऊंची स्टेज से कभी भी नीचे ना आए,
क्योंकि ईष्ट जो हैं वो सदा ऊपर की ओर रहते हैं, न्यारे और प्यारे होते हैं और उनके मन में सबके प्रति रहम, दया और देने की भावना होती है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को कई प्रकार की बातों में उलझना नहीं है, हर बात में साक्षी होकर के, न्यारे और प्यारे होकर के अपनी ऊंची स्टेज को बनाए रखें, क्योंकि ईष्ट के दर्शन के साथ साथ भगत भी अभी अपने आप को अर्पण करने के लिए खड़े हैं। तो बाबा ने कहा भक्तों का अर्पण होना मीन्स बाप के सामने झुकना है, बाप की प्रत्यक्षता है और उनको ये अनुभव होगा कि यही हमारा बाप है, इसी से ही इन देवियों ने, ईष्ट ने प्राप्ति की है। तो बाबा बता रहे थे बच्चों को हमेशा अभी समय अनुसार अपनी ऊंची स्टेज को बनाए रखना है, जैसे बाप बच्चों को हर समय अपने तख्त पर बिठा करके अनेक प्रकार के शक्तियों से संपन्न करते हैं, तो बाप के दिल तख्त पर बैठ करके शक्ति स्वरूप बने और इष्ट को बन करके भक्तों को साक्षात्कार कराए। दूसरा बाबा ने कहा अपनी स्वमान की सीट पर रहे। फिर बाबा बता रहे थे समय कैसे भी दृश्य दिखाएगा, अभी समय ऐसे ऐसे दृश्य दिखाने वाला है, एक तरफ भगत प्राप्ति के लिए लाइन में खड़े होंगे, दूसरी तरफ कई प्रकार की उलझने, समस्याएं, परिस्थितियां होंगी और तीसरी तरफ भविष्य दुनिया के नजारे भी दिखाई देंगे और चौथी तरफ बच्चों को अपने पुरुषार्थ का स्वरूप भी दिखाई देगा। तो इसलिए बच्चों को साक्षी होकर के हर स्थिति का, परिस्थिति का अनुभव करते हुए उससे न्यारे और प्यारे होकर के चलना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। बाप की प्रत्यक्षता के लिए, बाप के स्नेह के लिए मनुष्य आत्माएं तरस रही हैं। तो ये कार्य किसको करना है, तुम बच्चों को ईष्ट बनके और अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक करके ये सबको अनुभव कराना है। फिर तो क्या हुआ, बाबा सब बच्चों को इमर्ज करके दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि के साथ साथ बाबा जैसे दृष्टि देते थे हर एक का स्वरूप सजा हुआ और ईष्ट रूप ही दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने दिखाया कुछ सेकंड के बाद कई बच्चे अपने सजे हुए रूप से फिर ढीले हो जाते थे। तो अपना जो सजावट का बाबा ने उनको श्रृंगार दिया हुआ था, तो वो श्रृंगार उतार के कोई इधर से उधर रख देते थे, तो बाबा उनको रियलाइज कराते थे कि बच्चे संगम युग के अंदर बाप ने हर बच्चे को कितना श्रृंगारा हुआ स्वरूप बनाया है, लेकिन कई बच्चे उस स्वरूप को भूल करके इधर उधर देखते हैं, तो उनका श्रृंगार जो है ऑटोमेटिकली उतर करके वो भी बिखर जाता था। फिर बच्चे उस श्रृंगार की चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, तो बाबा ने कहा बच्चे जब अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो बाप ने जो बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए शक्तियाँ और उनके अंदर जो इस प्रकार से विशेषताएं भरी हैं, उस स्वरूप में रह करके अपने आप को ऐसा अनुभव करेंगे कि बाप समान दाता विधाता बनकर के उन भक्तों को उनके संकल्पों को साकार करने में वो अपना कार्य कर सकेंगे। लेकिन अभी समय है भक्तों के संकल्पों का अनुभव कराना और बाप को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि समय तेजी से बढ़ रहा है। फिर तो बाबा को
मुख स्वीकार कराया, फिर आज बाबा फिर सब बच्चों को इमर्श करके भोग के समय दृष्टि देते हुए खुद भी स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा ये होवनहार देवताएं हैं, होवनहार मनोकामना पूर्ण करने वाले इष्ट हैं, तो आज बाप भी इन बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह से उनको भोग स्वीकार करा रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद किया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। आज वतन में भोग लेकर के पहुंची, आज बाबा को जाने के साथ सभी भाई बहनों की याद क्या दिया। विशेष नवरात्रि के निमित्त भी बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते आज बाबा ने वतन में अपनी एडवांस पार्टी की दादियों को शक्ति स्वरूपा उस रूप में इमर्ज किया। बहुत सुंदर सजा सजाया रूप दिखाई दे रहा था और बहुत ही शक्तिशाली रूप था। बाबा ने कहा कि बच्ची चैतन्य में साकार में जब भी बाबा के बच्चे दादियों के करीब आते थे तो एक मिनट की दृष्टि लेने के लिए शक्ति लेने के लिए समय निकाल करके भी पहुंचते थे। वह दादियों ने बाबा ने तो कार्य किए ही, पर निमित्त बनकर इन दादियों ने ये विशेष कार्य शक्ति स्वरूप बनकर ये कार्य किया है संगम के समय। फिर एकदम से बाबा ने भक्ति की सीन इमर्ज की। बाबा ने दिखाया कि बच्चे अभी नवरात्रि शुरू हुए ना, देवियों के दिन शुरू हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि नौ देवियों के पास जाएंगे भक्त बच्चे और कुछ ना कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ उनके आगे प्रार्थना करेंगे, कुछ शक्ति मांगेंगे, कुछ वरदान मांगेंगे। तो बाबा ने कहा कि संगम के समय जो बाबा बच्चों को शक्तियों के रूप में गुणों के रूप में बाबा बच्चों को दे रहे हैं, बाबा ने कहा कि यदि इसका अभ्यास ब्राह्मण बच्चे हर ब्राह्मण बच्चे यदि 9 दिन भी इस चीज का अभ्यास करें, जिस प्रकार दुनिया के भक्त बच्चे 9 दिन देवियों के आगे जाएंगे और हर एक देवी से हर दिन का कुछ ना कुछ वरदान मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, तो बाबा ने कहा भक्ति में भी वह शक्ति लेने के लिए जाते हैं और आप बाबा के बच्चों को बाबा ने और दादियों ने
जो बच्ची बाबा ने कहा बच्ची जो दादियों का स्वरूप देख रही है, सभी बड़ी दादियां थी, नौ रतन के रूप में, नौ देवियों के रूप में। बाबा ने कहा कि यदि एक एक दिन का भी यदि बच्चे इस चीज का अभ्यास करे अपने आप में, तो बाबा ने कहा तो भी आप बच्चे अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। जब भक्त बच्चे भी नौ दिन दस दिन इस चीज का अभ्यास करते हैं और शक्ति मांगते हैं, तो बाबा ने कहा आप बच्चों को तो शक्ति दाता बाप शक्ति दे रहा है, और आप सभी बाबा के बच्चे सिर्फ शक्ति पांडव सेना है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस समय ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को विशेष अपने में शक्ति बल भरने का यह समय है। जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा वायुमंडल होता है, उस चीज का ब्राह्मण बच्चों को अभ्यास बढ़ाते जाना है। फिर एक सेकंड भोग लगा नहीं था, बाबा ने स्वीकार नहीं किया और मेरे को एकदम नीचे भेज दिया। फिर बाबा ने रस्सी भी खींच ली, देखा होगा आप सभी ने। बाबा ने कहा कि बच्ची देखो एक सेकंड भेजा। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, भक्त बच्चे देवियों के आगे घंटों खड़े रहते लाइन लगाने के लिए, दृष्टि पाने के लिए, और बाबा के बच्चे बैठे हैं तो कोई सुस्ती कर रहा, कोई नींद कर रहा है। बच्चे दर्शन करो एक सेकंड। मैं भी सोचा, हमने बाबा ने कैसे मेरे को नीचे भेज दिया, भोग नहीं स्वीकार किया, पर बाबा ने एक सेकंड भेजा, दृश्य को देखा, फिर खींच लिया। बाबा ने कहा इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अपना भक्ति का भी, भक्तपन का भी संस्कार इमर्ज होना चाहिए कि भक्ति में हम घंटों खड़े रहते थे और बाबा ने हमें आराम से बिठाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सुस्ती करें, नींद करें। इस चीज का ब्राह्मण बच्चों को अभ्यास नहीं करना है। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से आज जिन भी आत्माओं की, जिन भी भाई बहनों की विशेष याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने कहा कई ब्राह्मण बच्चों को ऐसा महसूस होता है, मालूम होता है कि बाबा देखता नहीं, बाबा जानता नहीं है, पर बाबा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, पर उसकी महसूस करना वह बच्चों का काम है। तो आज तो मैंने भी खुद अनुभव किया कि कैसे बाबा ने सेकंड में भेजा, फिर खींच भी लिया। तो ऐसे कहते बाबा ने फिर बाबा को कहा, विशेष यूपी का टर्न है, यूपी के भाई बहन बाबा के घर में आए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, सागर के कंठे पर आए हैं। तो बाबा ने कहा भर करके तो बच्चे जाएंगे, भरपूर होकर के जाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए।